बार बस लॉकडाउन खत्म हो जा, दो तीन कुत्ते ऐसा भमोमा बना के घोड़ी, मैंने कह रहा सारे खत्म रहेगी नोड़ी नोड़ी। देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। Oh, no. सही है, दुनिया लैब में बनाती रहेगी परमाणु और पीछे जाकर सहज ही घाण मार गए छोटा सा कीटाणु। हालेलुया भैया। प्रधान जी हद होगी इस लीलू सभी, किसी की जिंदगी में रायता फलानों की दही की भी जरूरत ना, यो तो खम्मका की पड़ी लगनी ठाके गांड में दियो जा लोगों की। अरे तू ढंग में जो बता हुआ क्या होता क्या, लो सुन लो इसे पूछ लो। क्या बताऊं प्रधान जी, मैं कट्टू द्वारा स्टेशन पर टिकट और टिकट काटने में 2 मिनट की देरी क्या हुई, इतने में उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि यात्री कृपया ध्यान दे और झुक के पहले गांड दे। अब तू बता भाई तेरी क्या क्या दिक्कत है। मैंने तो शादी के कार्ड पर बधाई संदेश लिखना कही थी, लो देख लो क्या लिखा हमने, लो सील पैक हो या हो ठुकी ठुकाई और तुम्हें हो शादी की हार्दिक बधाई। हाँ तो जइयो ना, जइयो, सारी दुनिया छोड़ कर मैं वही मिला एक लिखवाने को। और तू बता भाई तेरी क्या क्या दिक्कत है। अजी क्या बताऊं, जब मेरी और मेरी बहू की लड़ाई बजे है ना तो सारा दीवार पा के बैठ जावा है वो, अरे एक ही गाना गाओगा, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, ऐसा कर करके हमने पूरा गांव भमोड़ दिया। प्रधान जी इसके सिर पे उल्लू बोल रहा और उसका कैसे भी करके जुगाड़ बंधवाओ। प्रधान जी तुम लोग बताओ वो है कहाँ, ना मन्ने उसके दहते हुए अंगारी खाने में भर के उसका जिंदा जुगनू बना दिया आज। लेकर चलो मुझे तुम वहां। चलो मेरी गहल। प्रधान जी से बात तो कर लूं, पर 90% मेरे से नाराज ही रहे वे, नहीं तो आधे बड़े सज्जन है वे। हाँ वो बात तो ठीक है, पर पक्की सब पुर्जे उनके ठीक तो है ना, कभी पता चला डाली सुखी पड़ी। अपन उस बात की टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी, दिक्कत दिलाएंगे तुम्हें झुमके और सोने की बाली, अभी तो उनके पत्ते बेशक सूख गए हो पर आज ही मजबूत है उनकी डाली। आजकल का नौजवान जहाँ मोहब्बत में डगमगा रहा है, वहीं उनका चड्डी का दरिंदा तहनचप बिना झल्लर के जगमगा रहा है। हाय मेरे राजा, नजर न लगे उन्हें, वो भी तो आ गए। इतनी खुशी। प्रधान जी रात पाए लागू। राम राम बेटा, राम राम। तुम यहाँ कैसे, क्या हो गया? अरे वैसे आया था घूमने, मैं तो मगर अपने भाई से लीलू से मिलता चलूं। वैसे कम सिंह हसीना कौन थी लीलू? प्रधान जी बस क्या बताऊं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा था इस बारे में, नहीं तो थारे मार तो पागल है हसीना। अरे हाँ, तो बातचीत करवा इससे यार। प्रधान जी बात तो मैं करवा दूं थारी, पर मान लो यो हसीना उड़ता तीर है। उड़ता तीर? अरे इस कम सिंह हसीना के लिए तो छत्ती पे गोली खाओगे प्रधान। सब उत्तर तीर बताकर प्रधान की गांड में जिंदा बल्ला दे गए, तू देखता जा बस। हमें क्या मतलब, हमारी तरफ से कुछ ही करता फिरो, हमारी गांड में तो पहली बार बड़ा पड़ा, हमें ना बढ़वाना ऊपर से हथौड़ा, तू चला खड़ा हो यहाँ से। अरे बता तो लीलू कैसे करवा होगा अब। प्रधान जी अब क्या हो ना, जो तुमने कह दी वही होगा, खतरो खिलाड़ी हम है, आओ सेटिंग होगी थाड़ी, आओ आओ चल भाई। टोपला लीलू से बदमाश के लाने का क्या मतलब है तेरा? अब प्रधान जी खामा का डर रहे हो तुम, थारे सामान को यो गुंडा परेशान कर रहा है डेली, तो एक बार से तुमसे से बात करनी पड़ेगी बस। लीलू वो बात तो ठीक है, उड़ते तीर की बात हुई थी, तू भल्ला ना गांड में दिवा दे मेरी।
टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा एक बार उससे। चुप रहो भैया, थारे यहाँ तो थारे पैसे लेके एक लोंडे भागी थी। कहाँ है वो? आराम से, आराम से। उस बारे में गांव का प्रधान थारे से बात करने कह रहा है। करवा बात। हाँ हाँ ठीक है, बात तो करवा दो मैं, पर बाकी मैं जो भी कहूंगा ना वो अल्फाज उसके हैं, मैं तो मोहरा हूँ बस एक बीच में। ठीक है ओके। प्रधान जी वो तो कह रहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी जो भी है साला चोसीले मर्द की तो लाकर सामने बात करे ना। अरे हाँ चलो। अरे प्रधान बता क्या बात है, समझाओ। अरे बात क्या होती, वो मेरा सामान है और तू उससे दूर रही है दूर, और बाकी से बताइए मैं क्या चीज हूँ, बता रहे। सुन टोपले, दिक्कत तेरे जैसे से डरते ना जो आदमी सुबह गोड्डा, और जो साले लोन लोते ना कुछ भी कही तो तेरी गाना तोड़ कर देगा तेरा ही गोड्डा। प्रधान मैं नुकरा मत इलजा मेरे से, यो दुश्मनी बहुत कैड़ी पड़ेगी तुझे। तुझे पता तो है नहीं कहाँ गांड हो बेर की, और जो तेरे में दम हो ना तो आज झाट पाड़ ले शेर की।